सबसे पहले आपको बिला मुकाबला मुंतखब होने पर स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि जिस तरह बलूचिस्तान असेंबली की रिवायतें रही हैं उसको मलूज़ खातिर रखते हुए आप असेंबली को इम्पार्शल होके इस सूबे के असेंबली को चलाएंगे और अपनी बहन गजाला गोला को भी अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब आप नहीं होंगे तो आपकी जब जगह पर वो बैठी होंगी तो वो भी पार्टी से हट के इस हाउस को जो है इम्पार्शल होके चलाएंगे और जो हमारी अब तमाम अपोजिशन पार्टी अगर अपोजिशन ना हो असेंबली में तो असेंबली असेंबली ही नहीं रहती है। अपोजिशन के भी दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे दिल में उनके लिए वही इज्जत है जो हमारे ट्रेजरी बेचेंस के लिए इज्जत होती है और उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बलूचिस्तान के जो रिवायत हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए वो इंशाल्लाह बलूचिस्तान की रिवायत को सामने रखेंगे और असेंबली की कार्रवाई चलाते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं सरफराज बुगटी को आज जो इस ऐवान से बारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने जो फैसला हुआ है हमारे चेयरमैन ने फैसला किया है हमारे पार्टी को चेयरमैन ने फैसला किया है मीर सरफराज बुगटी के हक में तो हम उसको दिल से तस्लीम करते हैं और कोशिश करेंगे कि उस इस हुकूमत को अपने इत्यादियों के साथ मिलके चलाने की कोशिश करेंगे और जहां खूबियां होंगी उसकी तारीफ करेंगे और जहां खामियां होंगी वहां साइड में ले जाके मीर सरफराज को बताएंगे कि यहां पर आप ये नहीं ये करना है आपने ये नहीं करना है। और अपोजिशन को मैं अपनी तरफ से ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह हम उनके साथ कोई मुतवाजी जो सलूक होगा वो नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। आप अपोजिशन में बैठे भी आपका राइट है आप ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे आपका राइट है लेकिन जो राइट मेरा है मैं यहाँ पर बैठा हूँ मुंतखब होके आया हूँ आप भी मुंतखब होके आए हैं आपका भी वही हक है और जो हमारी लेडीज़ हैं वो भी जब इस हाल के अंदर आती हैं वही सेनेट हो चाहे असेंबली का वज़ीर आला का वोट हो चाहे कोई और बिल पे कोई वोट हो वो भी उनका भी वही वोट की हैसियत है जो मेरी वोट की हैसियत है जो वज़ीर आला की वोट की हैसियत है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपको अपनी बहन गजाला गोला को और सब मीर सरफराज का चूंकि आज हुआ है इलेक्शन उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुख्तसर करूँगा क्योंकि हमने फिर बाद में जाना भी है यहाँ से चेयरमैन साहब हमारे आ रहे हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।